हेलो टू ऑल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आपका वो टेक्निकल इंटरव्यू है तो आपसे वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जरूर पूछेंगे। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एनी इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है? तो वो हो सकती है टफनेस, रेजिलियंस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, क्रीप, फटीग, ये सारे कुछ, इंड्योरेंस लिमिट, यील्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ, ये सब के सब जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनको हम लोग बारी बारी से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ये वीडियो ब्रीफ होगा, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, तो आप पूरा तक इसको देख सकते हैं। ओके, तो मटेरियल प्रॉपर्टी जो लोग भी आगामी इंटरव्यू में जाने वाले हैं कृपया इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी बाई विच मटेरियल रिगेन इट्स शेप। मतलब कि अगर आप मटेरियल को डिफॉर्म करोगे तो वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी है। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये ब्रीफ वीडियो है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो दूसरा वीडियो हमारा है प्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज दिस प्लास्टिसिटी? मींस मटेरियल अपना परमानेंट, जब आप मटेरियल को डिफॉर्म करोगे तो अपना परमानेंट शेप को वो मेंटेन रखेगा। जहां तक आपने डिफॉर्म किया है, अगर मैंने मटेरियल को बहुत सारा खींच दिया और फिर मैं छोड़ूंगा तो थोड़ी सी इलास्टिक रिकवरी होगी, और बट लेकिन मटेरियल अपने वापस वाले शेप में नहीं जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का इस्तेमाल हम लोग स्प्रिंग के केस में करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्प्रिंग इलास्टिक हो ताकि वो अगर उसको कंप्रेशन किया जाए तो अपने कंप्रेशन के बाद अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाए। लेकिन हम लोग प्लास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल हम लोग वायर ड्रॉइंग, फॉर्मिंग के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे वायर ड्रॉइंग है, एक्सट्रूशन का प्रोसेस है, इन सब में हम क्या करते हैं, जैसे सीट मेटल की प्रोसेस हम लोग बना रहे हैं, उन सब में हम लोग प्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वहां पे होनी चाहिए क्योंकि हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वायर को, किसी रॉड को खींच के वायर बनाना है तो हमें वहां उस रॉड में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके ही वो बनेगा। तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम उस मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो मटेरियल अपने शेप को रिटेन रखे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। Now the third property is ductility. The third property is ductility. So what is ductility? Ductility वो property है by which material undergoes plastic deformation under the action of tensile load. मतलब कि आपका material plastic deformation, मैंने क्या बोला, material deformed plastically, यानी कि plastic deformation होगा अंडर द एक्शन ऑफ विच काइंड ऑफ फोर्स, अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। अगर आपने मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाया है तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए। वायर ड्रॉइंग का जो प्रोसेस होता है वो डक्टिलिटी के कारण ही होता है। हम वहां पे क्या करते हैं, मटेरियल को खींचते हैं टेंसाइल लोड लगा के और हम उसकी प्लास्टिक यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन कराते हैं। तो वायर ड्रॉइंग का जो प्रोसेस है वो डक्टिलिटी होने की वजह से होता है। नाउ हमारा जो चौथा प्रॉपर्टी है दैट इज योर टफनेस। सो व्हाट इज टफनेस? टफनेस। नाउ दिस इज फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। टफनेस इज व्हाट? इट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर। आपका जो मटेरियल है वो
वो फ्रैक्चर से पहले तक कितना एनर्जी स्टोर करके रखा है, दैट इज योर टफनेस। टफनेस बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, सो दिस इज 5 स्टार। टफनेस के बारे में बोला गया कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर। अगर आपसे कोई पूछे कि टफनेस को मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय आइजॉइड एंड चारपी टेस्ट। तो इस दो टेस्ट की मदद से आप टफनेस को मेजर कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ टफनेस के बारे में मॉड्यूलस ऑफ टफनेस भी हम लोगों को जानना चाहिए। सो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। सो व्हाट इज दिस मॉड्यूलस ऑफ टफनेस? दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored by a material before fracture, मतलब फ्रैक्चर से पहले तक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल ने कितना स्टोर किया है, उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलेंगे। बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या है? टफनेस अपॉन में वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल्स टू टफनेस अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी बेटा? तो वॉल्यूम जो टेस्ट स्पेसिमेन आपने लिया है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। टफनेस किसी मटेरियल का अगर हम देखें तो टफनेस हमें कैसे पता लगेगा? तो हम लोड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, टफनेस जो होगा हमारा लोड और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो वैल्यू आएगी, जो एरिया अंडर फ्रैक्चर लिमिट होगा, दैट इज योर टफनेस। दिस इज टफनेस TOUGHNESS टफनेस। नाउ मॉड्यूलस ऑफ टफनेस किस डायग्राम में मुझे दिखेगा? तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिख सकता है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिखेगा, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया होता है, क्या वो टफनेस होता है या मॉड्यूलस ऑफ टफनेस होता है, देन यू हैव टू से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर में जो एरिया आता है, दैट इज योर दिस एरिया इज योर मॉड्यूलस ऑफ टफनेस एंड दिस इज नॉट टफनेस माय डियर फ्रेंड, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। तो टफनेस का ये दोनों चीज आपको याद रखना है, एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व इज टफनेस एंड एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। आइजॉइड एंड चारपी टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द टफनेस वैल्यू ऑफ द मटेरियल। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। सो व्हाट इज दिस मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है? कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। जैसे कि डक्टिलिटी क्या था, मटेरियल विल गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेंसाइल लोड, हियर द मटेरियल विल गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। इट मीन्स बाय दिस प्रॉपर्टी द मटेरियल इज कैन बी फॉर्म्ड इनटू थिन सीट्स। बचपन में हमने पढ़ा था कि थिन सीट में जो प्रॉपर्टी, थिन सीट बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। आज भी वही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोगों ने डेफिनेशन में चेंज किया है। इट इज द परमानेंट इट इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट, दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फोर्जिंग में, या जो सीट आप थिन सीट बनाते हो, मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज योर ड्यू टू द मैलिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ? इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी इंड्यूस्ड इन अ मटेरियल। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी इंड्यूस्ड और विच कैन बी बियर्ड बाय अ मटेरियल। मतलब कि स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू
जिससे ज्यादा कोई मटेरियल उससे ज्यादा स्ट्रेस कोई मटेरियल झेल नहीं सकता। तो अगर हम सीधे सीधे अगर बात करें स्ट्रेंथ होता क्या है, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल रेसिस्ट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। नाउ दिस इज अगेन अ स्ट्रेस, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ स्ट्रेस, बट विच काइंड ऑफ स्ट्रेस, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। Now, stress is not a property of a material, because stress is एक material में बहुत सारे stresses आ सकते हैं, लेकिन strength is a property of material, because maximum stress की value किसी भी material के लिए same होगी। Fracture limit से पहले तक कितना वो material आपका stress झेल सकता है, that is your maximum stress and that is the property, the corresponding property is your strength of the material. Now the next property is stiffness. So seventh number property is stiffness. So what is this stiffness is? It is the deformation, it is the resistance of a material to be deformed under the action of load। मतलब कि स्टिफनेस क्या है, अगर आप मटेरियल को खींच मतलब आप अपने मटेरियल को एक्सटर्नल लोड लगाओगे, मटेरियल डिफॉर्म उसको आप करना चाहते हो, लेकिन मटेरियल रेसिस्ट करेगा कि हम डिफॉर्म ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्टिफनेस। मतलब स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस इज दैट प्रॉपर्टी बाई विच मटेरियल रेसिस्ट्स इट्स डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? Now, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस, इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस, ये ONGC में मेरे से इंटरव्यू रूम में पूछा गया था कि विच क्वांटिटी या विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस। सो ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस, इट मीन्स कि अगर E की वैल्यू ज्यादा होगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, देन योर स्टिफनेस विल बी आल्सो मोर। ये ब्रीफ वीडियो है, इसलिए हम एग्जैक्टली रीजन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि स्टिफनेस क्या होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस, आप याद रखिएगा, अगर ई ज्यादा होगा तो स्टिफनेस भी ज्यादा होगा, ई कम हुआ तो स्टिफनेस भी कम होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रीप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रीप। सो व्हाट इज क्रीप, क्रीप इज टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्रीप और स्टिफनेस, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा कैसे, ये टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्टैटिक लोड और डेड लोड। स्टैटिक लोड मतलब क्रीप वो प्रॉपर्टी है, टाइम डिपेंडेंट, बहुत जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्रीप भी होगा। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, क्रीप जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ड्यू टू विच काइंड ऑफ लोड, ड्यू टू स्टैटिक लोड। तो हमारा अगर स्टैटिक लोड होगा तो हमारा क्रीप होगा, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्टैटिक लोड। कितना प्यार से बोल रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्टैटिक लोड, दिस इज द क्रीप। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज resilience. So what is this resilience is? Resilience means it is the energy, it is like toughness but something different. Energy stored by a material up to elastic limit। जो elastic limit से पहले तक अगर जितना भी energy आपने स्टोर करके रखा हुआ है material ने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, resilience। This is energy stored by a material up to elastic limit। Toughness में क्या था, energy stored by a material up to fracture limit, but here it is up to elastic limit।
नाउ लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम में, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम में जो एरिया अंडर इलास्टिक रीजन होगा, दिस एरिया होगा, दैट इज योर रेजिलियंस आर। अगर सिमिलरली जैसे मॉडुलस ऑफ टफनेस था वैसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी होगा, तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, पर यूनिट वॉल्यूम लगा देना है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहां पे दिखेगा हमें? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हमें दिखेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक जो एरिया होगी दैट इज योर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, दैट इज आर बाय वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया दिखेगा दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रिमेंबर दिस माय फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर हार्डनेस। हार्डनेस, सो व्हाट इज हार्डनेस? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस, सो हार्डनेस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल रेसिस्ट स्क्रैचेस इंडेंटेशन स्क्रैचेस इंडेंटेशन पेनिट्रेशन ऑन इट्स सरफेस। मतलब कि अगर आपका मटेरियल पे सरफेस पे, ये वो प्रॉपर्टी है हार्डनेस जिस प्रॉपर्टी की मदद से अगर आप मटेरियल पे स्क्रैच लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, अगर आप उसको पेनिट्रेट करना चाहें तो नहीं लगेगा, अगर आप उस पर इंडेंट करना चाहें, कुछ उस पर चुभाना चाहें, मान लो पिन लेके इंडेंट करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। ये वो प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मतलब ये सरफेस पे अगर आप उस पर स्क्रैच लगाना चाहते हैं नहीं होगा, उस पर कुछ पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है बेटा? हार्डनेस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है? रेसिस्ट करता है किसको? स्क्रैचेज इंडेंटेशन पेनिट्रेशन को। हार्डनेस को मेजर किससे करते हैं? तो हार्डनेस इज मेजर्ड बाय ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, और दो और टेस्ट हैं, विकर्स हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो उन दोनों टेस्ट से भी हम लोग हार्डनेस को मेजर करते हैं। आई सपोज कि ये 11 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। 11 प्रॉपर्टी आपको लर्न बाय हर्ट करना है, जैसे कि मैंने एक बार रिवाइज कराया है, आप खुद इसको अगर दो बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को देख के जाएं, और इन वीडियो ना भी देखें तो चलेगा, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को कृपया करके याद करके जाएं। जरूर वो इंटरव्यू में पूछेंगे, और अगर उन्होंने अगर ये इन 11 प्रॉपर्टीज को पूछ दिया और अगर आप नहीं बता पाए तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन उस इंटरव्यू में तो नहीं होना है। तो आपका सिलेक्शन डिसाइड होने वाला है कि आप इन 11 के 11 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो सबसे बेसिक होता है, किसी भी इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको एक बेसिक प्रॉपर्टी 11 की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखा है वो उसको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये नहीं बताते हो देन यू विल बी गेट रिजेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। सो आप इसको लर्न बाय हर्ट कीजिए, जितनी बार हो सके जिस बुक से मन हो उस बुक से पढ़िए। और मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन लिंक के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इस पर एक PDF दे दूंगा आपको, जिसमें अच्छे से उसकी लाइन लिखी रहेगी। तो वो PDF आप पढ़ के जाना, एक पेज डेढ़ पेज में PDF है, तो उस PDF को एक बार पढ़ लेना ताकि आपको और ज़्यादा से क्लियरिटी आ जाए, स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो जाए। और जो भी मैंने अच्छे से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा ना, वो अच्छे से उसमें स्टेटमेंट लिखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।